ਰਿਥਵੀ ਬਹਿਲਨ ਮਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स में। सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, 9 o'clock हो गए हैं, तो मैं रेडी हो गई हूँ। आप देख के समझ गए होंगे, शॉप पे जाने के लिए आई एम रेडी। हरित्वी सत श्री अकाल कर दो। सत श्री अकाल। और हरित्वी के पैर को ठीक है, तो हरित्वी का पैर अभी वो चल रही है, लेकिन ट्रीटमेंट तो उसका चलेगा ही चलेगा क्योंकि इंजरी अंदर सीरियस वाली है। तो अभी हम शॉप पे जा रहे हैं, उससे पहले 5 मिनट में फटाफट से थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ लिविंग रूम की और हरित्वी के टीवी की। बाकी डस्टिंग जो थी वो मैंने सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से पहले। जी बेटा, डस्टिंग मतलब बेटा क्या होता है? डस्ट करना, डस्ट को साफ करना। तो बस वही करके फिर हम शॉप पे चले जाएंगे। समाचार बस यही है, सुबह का सारा काम खत्म हो गया है। मैंने आज आपके साथ सुबह का रूटीन नहीं शेयर किया क्योंकि बहुत बार कर दिया है, दैट्स वाई। तो थोड़ी सी फटाफट से डस्टिंग करेंगे, फिर नीचे चलते हैं और देखते हैं आज आपके साथ मैं क्या शेयर करती हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें हमें और इन्जॉय करते रहें और मेरे को अपने सुजेशंस देते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने जो है लिविंग रूम में सोफ़ा वगैरह क्लीन करने शुरू कर दिए हैं। बाकी जो डस्टिंग होती है जैसे दीवारों को साफ़ करना, डोर्स को साफ़ करना, वो मैं झाड़ू लगाते टाइम झाड़ू से ही कर लेती हूँ। लेकिन ऐसी वाली जो डस्टिंग होती है वो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम भी बहुत सारी धूल होती है जो दोबारा से इन चीज़ों पर पड़ जाती है। इसलिए डस्टिंग का काम मैं आलमोस्ट जो है वो बाद में ही जो है फिनिश करती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से थोड़ा सा कपड़ा, टी शर्ट ये मेरी पुरानी है और इसे मैंने गीला कर लिया है, क्योंकि ये जो सोफ़ा है वो लेदर का सोफ़ा है, तो दूसरी तरह से इसमें से धूल नहीं निकलती कि कपड़े से झाड़ लो, इसे बहुत अच्छे से बारीकी से साफ़ करना पड़ता है। और जितना टाइम मुझे लगता है कि बाकी घर की डस्टिंग को करने में लगता है, उससे ज़्यादा टाइम तो इस अकेले सोफ़े को ही साफ़ करने में लग जाता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लिविंग रूम का अपने का मेकओवर करने का, तो मुझे सुजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस तरह से लिविंग रूम को जो है थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे सकती हूँ। पहले मैं ऐसी चीज़ें जो है ना कि इनको सजाना या कुछ भी डेकोरेट करना ट्राई नहीं करती थी, क्योंकि हरित्वी बहुत ज़्यादा टॉयज का मैसअप इधर उधर रखती थी और छोटी थी, और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर रखने से मुझे ये भी डर होता था कि हरित्वी घूमते घूमते कहीं इनमें लग ना जाए और हरित्वी को चोट ना लग जाए। तो अब तो हरित्वी थोड़ा बड़ा हो गया है और वो चीज़ों को समझने लग गई है, तो उसे समझाया जा सकता है। और उसको वैसे भी डेकोरेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक है कि मम्मा चीज़ों को डेकोरेट करें, तो मुझे लगता है कि अभी वो इतना मैसअप नहीं करेगी। तो आप मुझे सुजेस्ट कीजिएगा कि मैं कौन सी चीज़ें कैसे करके लिविंग रूम को जो है वो डेकोरेट कर सकती हूँ। मोस्टली सोफ़ा वगैरह को किस तरह से मैं थोड़ा सा अलग लुक दे सकती हूँ, क्योंकि ये बेचारे लेदर के सोफ़े जो रखे होते हैं ना, ऐसे लगते हैं बेजान से हैं, रुखे सूखे से पड़े हैं। और इस रूम में आना जाना भी कम ही होता है, तो कोई गेस्ट आएगा तो ही बैठेगा, हम तो मोस्टली कम ही बैठते हैं। लेकिन लॉकडाउन में इस रूम का हरित्वी ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, उसने ना इसको अपना जो है वो ऑफिस बना के रखा था। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हरित्वी मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहाँ पे बिताती थी जब हमारी शॉप भी बंद थी तब, और वो इसको ऑफिस बोलती थी कि मम्मा दिस इज़ माय ऑफिस। तो बस अब इसको थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसकी जो लुक है वो चेंज करने लग जाऊँ। तो आलमोस्ट जो है वो मेरी डस्टिंग हो ही गई है, और इसमें ना बहुत बारीकी से सफाई करनी पड़ती है, बड़ी छोटी छोटी लाइनें हैं जहाँ मुझे सफाई करनी पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने हरित्वी के रूम की थोड़ी सी सफाई तो मैंने पहले कर ली थी, लेकिन जब हरित्वी उठ जाती है तो फिर उसका काम जाम जाम जो भी है सारा मैसअप जो है वो शुरू हो जाता है, तो फिर से जो है डस्टिंग करने की मुझे ज़रूरत लगती है कि हाँ कहीं ना कहीं धूल आ चुकी है। तो धूल से मुझे पता नहीं क्या, शुरू से ही बड़ी दिक्कत है मुझे, कहीं पर भी हाथ लग जाए ना, जब मैं टीचिंग भी करती थी, जब भी मैं क्लास में एंटर करती थी ना, तो बच्चे खड़े हो जाते थे, गुड मॉर्निंग मैम, तो मैं सबसे पहले मेरी नज़र जो है वो चेयर टेबल पे ही जाती थी कि मेरा चेयर टेबल कैसा है। तो अगर तो वो पहले से साफ़ है तो ठीक है, क्योंकि बच्चों ने ड्यूटी लगाई होती थी रोल नंबर वाइज कि इसको साफ़ करना है, क्योंकि उनको पता था मैम को धूल नहीं चाहिए ज़रा भी, तो वो बेचारे रोल नंबर वाइज ड्यूटी लगा के रखते थे। क्योंकि स्वीपर्स का तो आपको हाल पता ही है, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और उस तरह का काम नहीं करते स्कूल्स में, तो बच्चे खुद ही जो है वो सारी सफाई किया करते थे। और जब मैं एंटर करती थी अगर तो वो ठीक ठाक है तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन अगर मेरा टेबल एंड चेयर गंदा होता था ना, तो मैं जाते ही खुद से कपड़ा उठा के खुद से सफाई करना शुरू कर जाती थी, और बच्चे बेचारे इस तरह मुँह बना के देखते थे पता नहीं क्या हो गया है।
और ये छोटी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। शॉप पे मैंने कुछ ज़्यादा तो शूट नहीं किया क्योंकि शॉप पे बहुत बिजी दिन गया, और यहाँ पे मैं हरित्वी को होमवर्क वगैरह तो करवा चुकी थी लेकिन उसको बिजी रखने के तरीके ढूंढने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसको वाटर कलर दे दिए जो कि उसके फेवरेट हैं, और उसको थोड़ा सा मैं बिजी रखने पर ना ज़रा कामयाब तो हो ही गई। हम अब आ गए हैं घर ऊपर, तो शाम का समय है, 6:15 बजे मैं घर आई हूँ। जस्ट 5 मिनट हुए हैं और आते ही मैंने छत से जो है वो कपड़े उतारे हैं जो मैं धो के सुबह सूखने के लिए डाल के जाती हूँ, और बस ये तय लगाऊंगी। और सुबह से शॉप पे कुछ भी आज शूट नहीं हो पाया क्योंकि शॉप पे अच्छा खासा दिन था, बहुत अच्छा था, मतलब आता जाता रहा, और आज बहुत ही प्यारा मोमेंट था। मेरे टीचर्स मुझे मिलने आए थे जो मेरे साथ पढ़ाते थे, माय टीचिंग स्टाफ, और वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो आज मेरे साथ मिलने आए थे। उस टाइम मुझे याद नहीं रहा कि मैं शूट करूँ, मतलब होता है ना आप मिलते हो तो बातें उतनी खास नहीं थी लेकिन इतना अच्छी सी फीलिंग होती है, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने शूट करना है, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग रही, बहुत अच्छा आज पॉजिटिव सा डेज गया। आज का जो ब्लॉग डाला वो भी बहुत अच्छा गया, तो बस अब मैं आ गई हूँ, अब शाम के कामों में जुट जाऊँगी, खाना बनाती हूँ, और अपने लिए तो सिंपल सब्जी चपाती ही बनाऊँगी सबके लिए, लेकिन अभी हरित्वी से पूछना पड़ेगा उसे क्या खाना है क्योंकि शाम को उसका थोड़ा सा मूड जो होता है वो अलग होता है, अलग खाने का होता है, तो उससे पूछ के उसके लिए बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि उसके लिए क्या बना रही हूँ। क्योंकि बेसिकली मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था एज अ बच्चा, मम्मा बच्चा चैनल, तो मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं आपके साथ डेली या अल्टरनेट डेज पे व्लॉग्स में ही कुछ रेसिपीज जो है सिर्फ बच्चों के लिए हम कैसे बनाते हैं वो शो किया करूँगी, आपके साथ शेयर किया करूँगी। तो देखती हूँ रित्वी क्या बोलती है, उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, तो पहले ये कपड़े वगैरह नहीं, पहले मुझे हैंड वॉश करने हैं, फेस वगैरह क्लीन करना है, या ऐसा करती हूँ छटपट शार ले लेती हूँ, फिर देखती हूँ रित्वी का ऑर्डर क्या है, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, पहले शार लेती हूँ, हाथ धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, पता नहीं मुझे। डिनर में हरित्वी का डिनर ही मैं आपको आजकल शो करती हूँ क्योंकि अपना तो सेम ही होता है पंजाबियों के, वही तो लहसुन प्याज के तड़के होते हैं। यहाँ पे मैंने हरित्वी के लिए दलिया बनाना है और मैंने थोड़ा सा देसी घी उसमें डाल लिया है, और दलिया मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि मैं पहले ही सारी चीज़ें रोस्ट करके रखती हूँ हरित्वी के खाने पीने की, तो दलिया को तो मैंने पहले ही रोस्ट करके रखा है तो कुछ ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग कितना दलिया आपका बच्चा के लिए चाहिए होता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो दलिया ले लेंगे। और साथ में मैंने यहाँ पे दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है क्योंकि हमारा जो दूध है वो शाम को आता है, तो मैंने यहाँ पे घी थोड़ा सा गर्म हुआ तो दलिया डाल दिया है, तो आप चलाते हुए जो है इसको थोड़ा सा ही अब हमें रोस्ट करना पड़ेगा ताकि दलिया जो है वो घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ज़्यादा हमें नहीं करना है क्योंकि पहले से ही रोस्ट करके रखा है, तो यहाँ इस तरह से रोस्ट करके जब मैं चीज़ें रखती हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है, नहीं तो यहाँ पे 5-7 मिनट तो पहले मुझे दलिया ही रोस्ट करने के लिए लग जाने थे। और यहाँ पे मैंने चीनी निकाल ली है मैं, क्योंकि हरित्वी को आजकल मीठा दलिया पसंद है, पहले वो नमकीन दलिया खाया करती थी और आजकल उसकी जो है वो जीव चटोरी नहीं है, वो मिठाई की तरफ होने लग गई है, तो इस तरह से आजकल उसको जो है मीठा दलिया खाना पसंद है और दलिया उसका जो है फेवरेट है। चीनी मेरी छोटे वाले डिब्बे में ख़त्म हो गई थी तो इस तरह से मैं बड़े वाले डिब्बे में जो स्टॉक जो हम रखते हैं वो भर के रखती हूँ, तो छोटे डिब्बे में मैंने चीनी जो है वो डाल ली है। और मैंने इस गैस जो है वो बिल्कुल सिम रखा हुआ है, बिल्कुल सिम है ताकि घी में जो है अच्छी तरह से वो है दलिया जो है वो मिक्स हो जाए और नीचे भी ना लगे, क्योंकि ये चीज़ें जल भी जाती हैं तो बार बार हिलानी पड़ती हैं, इसलिए मैं गैस को बहुत कम रखती हूँ। और जितना आपने दलिया डाला है उससे मैंने दुगना पानी मैं हमेशा डालती हूँ, और पानी तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा हरित्वी का खाना जो है वो हल्की आंच पे ही पकाती हूँ, कभी भी उसको तेज़ गैस पे मैं बिल्कुल नहीं पकाती, तो मुझे जलने वलने का ख़तरा बिल्कुल नहीं होता, और वैसे भी कहते हैं ना सहज पके सो मीठा होए, इसलिए मैं हमेशा चाहे बड़ों का भी खाना हो कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास अच्छा खासा टाइम है तो मैं उसे जो है वो कम गैस पे ही पकाती हूँ, और खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और जितना मैंने दलिया लिया था उससे दुगना मैंने यहाँ पे जो है वो पानी डाल दिया है। उसके बाद चीनी तो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है कि आपको या आपके बच्चे के लिए जिसके लिए भी आप बना रहे हो, चीनी की जगह पे आप जो है वो गुड़ या खजूर वो यूज़ कर सकते हो अगर आपका बच्चा छोटा है, क्योंकि अब तो हरित्वी 5 साल की होने वाली है तो मैं चीनी का यूज़ कर लेती हूँ, और बस इसको अच्छे से चला देना है। उसके बाद आपने कुकर का ढक्कन लगा देना है और बस दलिये का वेट करना है बनने का।
गाइस मैंने जो है वो दलिया बनने के लिए रख दिया है, साथ में दूध उबल रहा है। तो दलिये में मैंने चीनी यूज़ की है क्योंकि हरित्वी अभी 5 साल की होने वाली है, तो मैं आराम से अब चीनी वगैरह उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ और उसके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, 2-3 साल से छोटा है या 2-3 साल तक है, तो आप चीनी की जगह अच्छा होगा कि खजूर जो है वो यूज़ करें, वो बच्चों के लिए बेस्ट होती है। और दलिया बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सिर्फ हरित्वी के लिए बनाया है आधी कटोरी। तो मैं इसे एक सीटी देने के बाद, जब इसमें एक सीटी आ जाएगी, तो बिल्कुल गैस सिम करके इसको 5 मिनट तक पकाऊंगी बस। और उसके बाद खोलने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है कि पानी ऐड करना है या पकाना है, तो आप उस तरह से कर सकते हो। अगर कच्चा है तो थोड़ा सा बना भी सकते हो, वो आपके बच्चे पे डिपेंड करता है, आपका बच्चा कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बहुत छोटा है तो फिर वो ज़्यादा गला हुआ दलिया खाएगा, क्योंकि हरित्वी की एज का है तो वो खड़ा खड़ा सा दलिया खाना पसंद करती है। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो जब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी फैमिली के लिए बनाती हूँ, तो मैं एक सीटी आने के बाद 10 मिनट तक उसको पकने के लिए देती हूँ, फिर आराम से वो बन जाता है। तो दलिया मेरा यहाँ पे बन गया है। सब्जी और चपाती का मैं काम करूँगी। सब्जी दोपहर की थोड़ी सी है, तो अब थोड़ी सी ही बनेगी, वो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है बनेगी नहीं बनेगी। तो चपातियों का काम है वो करूंगी बस। आपके साथ मैं हरित्वी का खाना आजकल शेयर कर रही हूँ, और अपने लिए जो बड़ों का कुछ होता है, अगर स्पेशल रेसिपी हो तो वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब यहाँ पे है बर्तन, वो मैं बर्तन वगैरह सेट करूंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि हरित्वी को मैंने आज सुबह नहीं नहलाया था, बिकॉज उसके पैर में चोट लगी है, तो पट्टी को गीला नहीं करना है और उसको केयरफुली नहलाना है। तो आज मैंने सुबह नहीं नहलाया था, अब मैं उसको शाम को शार दूंगी और उसको मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि आराम से उसे नहलाना है, पैर का मामला है, दर्द ना हो, गीली नहीं होनी चाहिए पट्टी, बहुत कुछ देखना है। तो वो काम करूंगी, फिर उसके बाद डिनर की तरफ होंगी। मेन काम जब आप करते हैं ना घर में, कुछ भी करें, तो सबसे पहले अपने बच्चे का खाना आपको रेडी करना है। जितने टाइम पे उसने खाना है, उससे आधे घंटे पहले आपके बच्चे का खाना जो है वो रेडी होना चाहिए। बाकी तो घर के काम चलते ही रहते हैं, और मैं कुछ ज़्यादा सयानी नहीं हूँ, इसलिए आपके साथ दलिया भी इसीलिए शेयर किया। कुछ लोग बोलेंगे कि दलिया भी कोई शेयर करने वाली चीज़ है। दलिया इसलिए शेयर किया क्योंकि कोई ना कोई मेरे जैसी भोंदू होती है, जिसे शुरू में दलिया भी नहीं बनाना आता, थोड़ा सा सोचती है। बच्चे को देते टाइम हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, स्पेशली मम्मीज जो होती है ना, बच्चे को कुछ देना हो खाने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में होते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ जो है वो दलिया शेयर किया। तो फटाफट से मैं बर्तन समेटती हूँ और उसके बाद हरित्वी को नहलाना है। तो देखते हैं, विसल आ गई है। विसल आने के बाद हम बिल्कुल कम करके इसको 5 मिनट पकाएंगे। अब जितनी देर मेरा जो है दलिया पकने के लिए टाइम लेगा, उतनी देर में मैं जो है वो बाकी काम करने शुरू कर दूंगी। अपना खाना तो अभी मैं थोड़ी देर में ठहर के बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी थोड़ी सी है अभी देखना है। मैं सोच रही थी क्या करूं, तो मैंने बाकी काम जो है वो समेटने शुरू कर दिए, जिसमें सबसे पहला काम मेरा होता है बर्तन सेट करके रखना। जो बर्तन सूखे हुए हैं उनको रैक में रखना, क्योंकि मैं कभी भी गीले बर्तन रैक में नहीं रखती, क्योंकि फिर वाइट वाइट से दाग पड़ जाते हैं और मेहनत करनी पड़ती है उनको उतारने में, और जितनी ज़्यादा मेहनत करो तब भी वो अच्छे से साफ़ नहीं होते। और बाकी बर्तन मैंने धोने शुरू कर दिए। पता नहीं ये मेरा क्या है, जब भी मैं नीचे से भी ऊपर आती हूँ ना शॉप से भी, तो किचन में जितने बर्तन होते हैं, बाकी काम मैं बाद में करती हूँ, सबसे पहले मैं सिंक को खाली करती हूँ। क्योंकि किचन में जब बर्तन सिंक में होते हैं ना, तो मेरे को किचन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी मेरे को लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। और बर्तन अगर धुले हुए हैं, सिंक साफ है, इसका मतलब आपकी किचन साफ है। साफ़ सुथरा किचन देख के तो मेरी एनर्जी वैसे ही डबल एट ट्रिपलेट हो जाती है, इसलिए मैं फटाफट से जो है यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, और साथ साथ मैंने दूध को भी उबाल लेना है। और जो छोटे मोटे काम होते हैं इसी तरह से हम लेडीज़ जो हैं वो निकाल लेती हैं। और यहाँ पे बाऊजी क्या करने आए थे, बाऊजी ये पूछने आए थे कि मेरे लिए आज खाने में क्या बन रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हरित्वी के ना चटपटी चीज़ें खाने का बहुत मन होता है, तो दोपहर को भी वो वैसी चीज़ मांग लेती है और रात को भी वही। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आज मैंने जब उसे बताया ना कि बाबू आपके लिए दलिया बन रहा है, तो वो कहती मम्मा दलिया दलिया तो मेरे को खाना ही नहीं है, अदरवाइज़ दलिया और खिचड़ी उसकी दोनों फेवरेट डिशेज़ हैं। बस बच्चों का इसी तरह से है। फिर मुझे थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ा उसको सेटअप के, नहीं आज आपने जंक खाया था तो आपको ये खाना है। सो गाइस, काम करते करते 5 मिनट हो गए हैं, तो दलिया का जो टाइम है प्रॉपर जितना मैंने उसे देना था वो हो गया। तो मैंने अब कर दिया गैस को बंद, लेकिन हम इसकी भाप को नहीं निकालेंगे, इसको अपने आप जो है वो ख़त्म होने देंगे, उसके बाद देखते कि ये कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तब तक मेरा दूध गर्म हो गया और मैं अब दही लगाने वाली हूँ। दही लगा लूँ तो छोटे मोटे काम ऐसे ही ख़त्म करते रहते हैं।
उसके बाद रिश्ते का मतलब सारा खत्म होना चाहिए काम, बाकी अपना तो क्या है भाई, बच्चे का होना चाहिए। तो फटाफट से अभी मैं दही लगा लेती हूँ, दूध मेरा बॉइल हो रहा है। तो आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं मिक्स एंड मैच करके जो है ना वो दही लगाने वाली हूँ। दोपहर का थोड़ा सा दूध था उसे गर्म कर लिया और इसमें से थोड़ा सा गर्म डालूंगी, दही लगा दूंगी, पहले इसे बॉयल कर लूँ अच्छे से, ये बॉयल हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो दही भी लगा दिया, क्योंकि आजकल रात को ना थोड़ा थोड़ा सा ठंडा मौसम होना शुरू हो गया है, तो इसलिए दही जो मैं लगाती हूँ थोड़े से गर्म दूध में लगाती हूँ, और थोड़ा सा उसमें जो जाग जिसको बोलते हैं हम लोग पंजाबी में इधर, कर्ड जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में डालती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, और सुबह को बहुत ही जो गाढ़ा सा दही है वो बना होता है। अगर हम ल्यूक वॉर्म को आजकल करें ना तो फिर उतना अच्छा जो है वो दही जो है पक के नहीं आता। और यहाँ पे मैंने दूध को जल्दी ठंडा करने के लिए प्रात में पानी डाल के उसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल दी है ताकि मेरा दूध भी जल्दी ठंडा हो जाए और मैं उसको जो है वो अच्छे से फ्रिज में लगा दूँ, बस मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए, अदरवाइज़ मुझे वेट करनी पड़ेगी कि दूध कब ठंडा हो, कब उसको फ्रिज में रखूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वाटर बॉटल्स वॉश करनी शुरू कर दी हैं, जो मुझे शॉप पे सुबह पानी भर के लेके जाना होता है जिन वाटर बॉटल्स में, क्योंकि मैं वहाँ पे कोई वाटर कूलर या ऐसा कुछ नहीं रखती क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा हाइजीनिक नहीं लगता। वाटर कूलर में पानी डाल के रखना पता नहीं क्यों मुझे मतलब ऐसा होता है कि उसकी जो टैप होती है वो अच्छे से अंदर से वॉश नहीं होती, इस तरह से मुझे ना हाइजीनिक इशू बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और मेरा काम जो है मुझे लगता है मैं खुद ही बढ़ाती रहती हूँ। तो दो तीन वाटर बॉटल्स मैंने जो है वो मिल्टन की रखी हुई हैं, जिसमें हरित्वी की वाटर बॉटल अलग है और बाकी दो वाटर बॉटल्स अलग हैं जो मैं सुबह जो है पानी भर के लेके जाती हूँ, तो वो मैं रात को आके जो है वो वॉश करके रख लेती हूँ ताकि वो रात में सूख जाएं और सुबह फिर उनमें मैं पानी भर के ले जाती हूँ। बस इसी बीच जो है वो भाप अपने आप जो है वो ख़त्म हो गई, तो देखिए दलिया मेरा बनके तैयार है। क्योंकि हरित्वी अब बड़ा हो चुका है तो वो इस तरह का ही दलिया जो है बना हुआ खा लेता है, तो मुझे बाद में कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आपको इसको ज़्यादा गलाना है तो आप इसको बाद में कुकर खोल के भी जो है खुले कुकर में भी गैस चला के अच्छे से टाइम दे के पका सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दलिया जो बाउल्स में निकाल लिया है क्योंकि मैं इसको जब पानी में रख के ठंडा करूँ उतनी देर में मैंने हरित्वी को नहला लेना है, तो फिर नहा के हरित्वी जो है वो खाना खा लेगा अपना और उसके बाद मेरा काम जो है वो शुरू हो जाना है। हमारी प्रायोरिटी हमारे बच्चे होते हैं, तो जो भी मेरा घर का काम होता है मैंने कब कैसे करना है वो सारा हरित्वी के इर्द गिर्द ही घूमता है और उसी के अकॉर्डिंग ही मेरे टाइम टेबल्स होते हैं। और दलिया थोड़ा सा ठंडा हो मैंने इसीलिए फर्स्ट जो है वो कुकर भी वॉश कर लिया, इससे क्या होगा कि जब मैं हरित्वी को नहला के किचन में एंट्री मारूंगी तो कोई बर्तन नहीं होगा, सिंक साफ़ होगा, किचन साफ़ होगी, तो मेरी खुशी तो वैसे ही डबल होगी, एनर्जी डबल होगी। और दूसरा क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चा जब आप बच्चे को रात को नहलाते हो खाना खिलाते हो बच्चा पूरे दिन का थका होता है और हरित्वी तो ज़्यादा थकी होती है क्योंकि वो शॉप में मेरे साथ बजी रहती है बेचारी, तो उसका मूड नहीं होता तो आपको वो हिलने नहीं देता काम करने के लिए। तो इस तरह से मैं पहले ही अपना मोस्टली काम जो है वो ख़त्म करके रखती हूँ। और यहाँ पर बाथरूम में सेटअप मैंने हरित्वी के नहलाने का रख दिया है, उसे आज मैंने टेबल रखा है जिस पे उसकी मैं लेग रखूंगी और उसको नीचे बिठा के नहलाऊंगी, क्योंकि आपको पता है उसके पैर पे चोट लगी है तो पट्टी वट्टी जो है गीली ना हो। सो सेटअप रेडी और यहाँ पे हरित्वी खाना एंजॉय कर रहा है। टाइम हो गया 8:30। बबी हाई हुई, हरित्वी ने जोर से अपने सोफे पे जंप किया। तो अभी टाइम 8:30 हो गया, सारा काम खत्म हो गया डिनर का, जस्ट दूध रह गया। और इवन मैंने सारी सफाइयाँ भी कर दी हैं, इवन मतलब सब कुछ हो गया। मम्मा अभी बैठी है, अभी बाबू को भूख लगे। तो फ्रेंड्स सब कुछ हो गया, जस्ट मैंने अपना नाइट केयर रूटीन करना है। बाबू देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, वेट कीजिए मैं देता हूँ कुछ। तो हाँ हरित्वी को डिनर करवाया ही नहीं, हरित्वी को मम्मा ने खाना दिया ही नहीं है, है ना। सुबह से लेकर रात तक ना मैं इस बंदे इसके पीछे घूमती रहती हूँ, क्या खाओगे, इसके ऑर्डर्स होते हैं, नाश्ता ये चाहिए, लंच ये चाहिए, डिनर ये चाहिए, और वही ऑर्डर फुलफिल होते हैं। और बाद में ये मैडम बोल देते हैं कि
मेरे को कुछ खिलाया ही नहीं, मैं भूखा हूँ। सो फ्रेंड्स आई डोंट नो व्लॉग कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी, इसको भूख लग जाती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कितना लंबा बना है कितना नहीं बना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आज के ब्लॉग में। तो फटाफट से मैं अपना नाइट केयर रूटीन करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कल परसों ही मेरे लाइव में भी आपने जी बेटू 3.9 सो रिक्वेस्ट की थी कि आप कभी भी अपना नाइट केयर रूटीन नहीं दिखाते हो बाबू, प्लीज 2 मिनट। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने किया है फ्रेंड्स, वो काफ़ी पीछे चला गया, आई थिंक आपको नहीं पता चला, तो मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ अभी। और ये देख लीजिए, ये हमारे महाराज जी आ गए हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं। सत श्री अकाल कर दीजिए। सत श्री अकाल। और ये फ़ोन इनके हैंड में इसलिए है क्योंकि अभी अभी हमें पापा जी का फ़ोन आने वाला है इस फ़ोन पर। आप कुछ बोलना चाहते हैं हमारे पे? ओय 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 मेरे सर्वाइकल गर्दन दुखेगा, तो क्या आप कुछ बोलेंगे? अच्छा कोई गुड मैनर्स की बात ही बता दो, क्या करना चाहिए अच्छे मैनर्स के लिए, गुड मैनर्स बता दो कोई। कोरोना वायरस, हाँ जी, मैं हैंड वॉश करने चाहिए अच्छी तरह से साबुन डेटॉल साबुन से। हाँ जी, और क्या करना चाहिए? और मास्क पहनना चाहिए। ओके। और घर का खाना खाना चाहिए। ओके। आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट खाना है डोनट। हाँ, अभी हरित्वी का फेवरेट खाना बन चुका है डोनट्स, जो उसे काफी दिन से नहीं मिले हैं, नियर अबाउट महीना ही होने वाला है उसको डोनट्स नहीं मिले, क्योंकि उसका ऑन ऑफ कुछ ना कुछ चलता रहता है आजकल, केक चाहिए और बिकॉज ऑफ अस्थमा, क्योंकि उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो इन चीजों का उसको परहेज करना है, लेकिन वो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, कभी मम्मा केक चाहिए, कभी मम्मा गोलगप्पे चाहिए, कभी गुलाब जामुन चाहिए, तो चलता ही रहता है, तो डोनट्स उसको नहीं मिल रही है। सो चलिए गाइज, आपके साथ फटाफट मैं अपना नाइट केयर रूटीन शेयर कर देती हूँ। पहले मैंने शेयर किया हुआ है किसी ब्लॉग में, लेकिन आपने शायद नहीं देखा है, तो यस आपने नहीं देखा है तो आज देख, तो अभी देख लेना। अभी देख लीजिए, सुबह मत देखना, रात को देखना क्योंकि रात को करना है। इन दिनों फ्रेंड्स क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो मेरा जो रात का स्किन केयर रूटीन है मैंने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सबसे पहले टोनर तो मैं उसी तरह लगाती हूँ, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, टोनर वही होता है, या अभी देखूंगी मैं विटामिन ई वाला टोनर सोच रही हूँ कि वो जो है वो ऑर्डर करूँ। और उसके बाद टोनर सूखने के बाद यहाँ पे मैं लगाती हूँ सीरम, तो सीरम मेरे पास है विटामिन सी वाली अभी तक, तो सर्दियों में भी मेरे पास जो है विटामिन सी की ही सीरम रहेगी। ड्रॉप डालते हुए थोड़ा सा हल्का हाथ ध्यान में रखें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ड्रॉप जो है वो फोरहेड पे ज़्यादा डाल लिया था तो मेरी आइज़ के अंदर चला गया, पर कोई बात नहीं, ठीक था। आइज़ को मैंने थोड़ी देर बंद करके रखा तो मेरी आई जो है वो सेट हो गई, तो ये काम थोड़ा आराम से करें, मेरे हाथ बहुत तेज़ चलते हैं तो आज थोड़ी सी गलती हो गई। और उसके बाद जो नाइट क्रीम है वो मैंने घर पे बनाई हुई है। ये कैसे बनाई है? ये क्यूकुम्बर और एलोवेरा जेल में मैंने मिक्स किया है विटामिन ई एसेंशियल ऑयल, और उसी में मैंने मिक्स किया है बादाम रोगन, और ये आजकल मेरी नाइट क्रीम बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है मेरा फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो उसको मैं रिकवर करने के लिए मैंने जो है नाइट क्रीम खुद से बनाई है। और सर्दियां आ गई हैं तो इसमें भी थोड़े से चेंजेस होंगे, एक दो इंग्रेडिएंट्स में और मिलाऊंगी, और सर्दियां मतलब अपनी स्किन को और भी अच्छा बनाने का हमें मौका मिल जाता है। तो गाइस ये था मेरा नाइट केयर रूटीन जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। सॉरी, रात को ट्रक बहुत चलते हैं, दिन में गाड़ियों की पंपा होती है, रात को ट्रक्स की होती है, तो ये मैंने रात का जो है अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर किया। थोड़ा सा चेंज है अब, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और वैसे भी मेरी स्किन की डिमांड्स जो थी वो चेंज हो गई थी, आपको पता है मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, और बाबू गोभी को मत लगा, मैंने आज वॉश नहीं किया ये, तो बीमार हो गई थी, उसकी वजह से मेरी जो स्किन थी ना बहुत डल हो गई थी, उसमें जान नहीं थी और छाइयाँ पड़ गई थी, इसलिए मैंने अपना जो स्किन केयर रूटीन है
उसको चेंज कर दिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी सितंबर खत्म होने वाला है, हो ही गया एक दो दिन है ना, तो अक्टूबर में मौसम चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से मेरा स्किन केयर रूटीन जो है वो चेंज होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ही इस तरह से अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें नहीं लगानी है तो क्रीम कौन सी मैं यूज करती हूँ, अगर मैं ये अपना जो खुद की क्रीम बनाई हुई है वो ना यूज करूँ तो मैं गुड वाइब्स की क्रीम यहाँ पे यूज करती हूँ। दिस इज विटामिन ई नरिशिंग फेस क्रीम, दिस इज, तो मैं गुड वाइब्स की ये क्रीम यूज करती हूँ। और मैं डे टाइम भी यूज करती हूँ, नाइट टाइम भी मैं ये ही। बाबू मस्ती मत करो, मेरे को दो चार बातें करनी है, मस्ती बाद में करते हैं ना, तो इसको रात को बहुत मस्ती आती है, बहुत ज्यादा। तो ये क्रीम है नो सल्फेट, नो पैराबेन, सब कुछ, ये मिनरल ऑयल भी नहीं है इसमें, बहुत ही अच्छी ये क्रीम है। मैं डे टाइम भी यही यूज करती हूँ, नाइट टाइम भी यही यूज करती हूँ। प्लीज सो गाइस, पहले रिद्धि को ही मस्ती करवा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, प्लीज। और रिद्धि अभी मानेगा ही नहीं किसी की। सो गाइज, ये था मेरा नाइट केयर रूटीन। तो अब बस टाइम हो गया है, 9:45 हो गए हैं, तो हरित्वी का नींदी का टाइम हो गया है, तो हम दोनों अब सोने वाले हैं। सो गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान आपको बहुत अच्छे अच्छे हालात दे, बहुत अच्छे से रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे, तरक्की से निवाजे, और आप हमेशा सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। मेरा हमेशा यही मानना है कि भगवान से कुछ मांगो तो अपने लिए अच्छी सेहत मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, और मेहनत करो, मेहनत करोगे तो भगवान सब कुछ आपको दे ही देगा। सो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। बहुत सारा आप लोगों को प्यार, आप जितना मुझे प्यार देते हो, थैंक यू वेरी मच गाइज, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। मुझे लगता है मैं इतने की लायक नहीं थी जितना आपने मुझे प्यार दे दिया। सो थैंक यू वेरी मच। इस प्यार को और बढ़ाएं, हमारी फैमिली को और बढ़ाएं, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, दोस्तों और रिश्तेदारों में चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। और अगर आप हमारे आसपास के एरिया के, जैसे मुकेरिया में हूँ मैं, आसपास के एरिया के हैं, तो मैं तो आपकी अपनी हूँ ना, तो फटाफट से सब्सक्राइबर बढ़ाएं, तो अच्छा लगेगा ना, आपके शहर का कोई बंदा, आपके इलाके का कोई बंदा ग्रो करेगा, तो उसके साथ साथ आप ग्रो करोगे, क्योंकि ये हमारा चैनल है, मेरा आपका हमारा चैनल है ये। सो गाइस, बातें बहुत हो गई, तो अभी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। गुड नाइट रिद्धि, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। दोस्तों चैनल नू सब्सक्राइब करना ते शेयर करना बिल्कुल ना भूलियो, ते जांदे जांदे ब्लॉग नू लाइक जरूर करियो, ते अपने दोस्तों मित्रों नाल चैनल नू शेयर करियो। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग हरित्वी बहल एंड ममा, सत श्री अकाल।